हेलो फ्रेंड, टेक्निकल पंडित में आपका स्वागत है। दोस्तों, विक्रम मूवी से सीन्स पे रिएक्शन दे रहे हैं। ऑलमोस्ट सब सीन अब दे चुके हैं। अब डायरेक्ट ये क्लाइमेक्स का सीन सब हम देने वाले हैं। लास्ट में कमल हासन जी वो स्पॉट पहुंच जाते हैं जहाँ पे ड्रग्स है, एंड इवन जो सदना का गैंग है आधे लोग तो वहां पहुंच जाते हैं। वो इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं कि जो भी ड्रग्स कमल हासन वहां पे है, एंड उनको वो भी पता चलता है कि ट्रैकर ऑन हो चुका है, एंड वो भी वही जगह दिखा रहा है पुलिस। तो मेरे हिसाब से क्लाइमेक्स सीन है दोस्तों, तो फाइटिंग वाइटिंग और जो भी अब इनका बीच में डायरेक्ट फेस ऑफ होने वाला है, कमल हासन जी उनका साथ जो भी हैं उनके एजेंट्स एंड सदानंद का जो गैंग है विजय सेतुपति का, उनका बीच में डायरेक्ट फाइटिंग का मुझे दिख रहा है। एंड यह फहद फासिल भी एक तरह से अनऑफिशियली मुझे लगता है मास्ट मैन बन चुके हैं, तो देखते हैं उनका क्या एक ये क्या बोल सकते हैं डायरेक्शन रहेगा, इनपुट रहेगा उनका, क्या रहेगा इनका क्लाइमेक्स में। तो दोस्तों देरी नहीं करते हैं, क्लाइमेक्स सीन का पार्ट वन देखते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। आइए दोस्तों। बॉम्बे वाटर बॉम्ब से आवाज है ना कांच का। वहीं पे बेसमेंट जाने को कहा, एंड वो नाइट व्यू ना पहने था ना। हाँ, मारते
पहले निकल गया। अरे यार तो मतलब की नहीं था बेसमेंट ही नहीं मैनुअल वाला है क्योंकि प्रॉब्लम है ना काम कर रहा था ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था तो एवरी टाइम चेक करना पड़ेगा खत्म होने से डायरेक्ट शॉट पूरा ये निकल नहीं पा रहा ये लोग घुस गए पूरा उधर हाँ वो लोग ड्रग के लिए बाहर उधर ना फैमिली मुझे लग रहा था पैर दिख रहा है उधर तो दिख के ऐसे जाना मुझे किसको मार रहा है अरे मैनुअल टाइटल हो गया
पीछे लगा था है ना उसको मार रहे हो ऑटोमेटिक हो जाएगा बेसमेंट में हो भाई वो वेट कर रहा कुछ नहीं कर सकता हाँ कुछ कर नहीं सकता जानता है क्या प्रॉब्लम है तो पीछे से आ रहा क्या जबरदस्त है ऐसा लग रहा है रियल रियल पूरा लग रहा है जबरदस्त है और देख बस उनका तो गैंग ऑफ बेसमेंट है वही बच गया फाइटिंग और जो गन्स का खतरनाक क्या पता नहीं क्या नाम है उसका जबरदस्त दिख रहा था यार मैन पुराना टाइम का ये लेकिन पुराना वाला ओल्ड इज गोल्ड है वैसे ही टाइप का है पूरा जबरदस्त पूरा उड़ा दिया एंड लेकिन फिर वो एजेंट लॉरेंस भी इसमें मर गया अब है ना और तीनों मर गए करेक्ट बोले तीनों कुछ ना कुछ हेल्प कर करके अब देखना है वो फात फातिल तो बच्चे को लेके गए हैं वो सीपीआर दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं या हॉस्पिटल पहुंच गए या क्या होने वाला है वो सीन एंड ये लोग अब कमल हसन जी और मैंने एजेंट विक्रम और सदानंद वहाँ बेसमेंट में है मुझे लगता है वहां पे कुछ होने वाला है ना क्योंकि एक और चीज जो थोड़ा डिफरेंस है कमल हसन जी या तो एजेंट विक्रम उनको ये नहीं मालूम है कि सदानंद एक वो जो खाता भी है जो ड्रग जैसा उसको बहुत ज्यादा पावर आता है मुझे लगता है उनका बीच में कुछ तो फाइटिंग होगा क्योंकि वो सिर्फ ऐसी फाइटिंग तो भी बचा हुआ है ना हाँ फाइटिंग है तो उनको नहीं मालूम है मैं वो बोल रहा हूँ कि वो ऐसा है दोस्तों बहुत ही अच्छा था ये तो वन ऑफ द लाइक ये ईयर का वन ऑफ द बेस्ट सीन्स था इसको कंपेयर करने से और एक जो केजीएफ 2 का हम जो सीन देखे थे इसी टाइप का जो सीन था कलासिनिकोव को लेके वो सीन ऑलमोस्ट सिमिलर है एक और भी ऐसा था पुलिस स्टेशन वाला जो सीन था उसमें वैसा सिमिलर था बट ये तो बहुत ही अच्छा था ऐसा पूरा रेफरेंस वो कैदी वाला रेफरेंस था जो वो गन पकड़ के आता है दिल्ली मारने वाला जो कुछ ऐसा कि अब ऑप्शन नहीं है लास्ट के तो कुछ ऑप्शन नहीं बचा अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा एंड एक ही बार मजा आ गया दोस्तों इसमें एंड जो माने फ्रॉम मूवी का ऑलमोस्ट एंड व्हेन वी आर इन क्लाइमेक्स तब एजेंट विक्रम का वो दिखा रहा है कमांडर स्क्वाड एंड ऑल वो विक्रम लिख के तो बहुत अच्छा थिंकिंग लोग कर रहा था डिफरेंट वे में एंड उसमें फिर अनिरुद्ध का जो बीजीएम है हाईलाइट है
माने वो एक अच्छा घुसदम दे देता है वंस अपॉन अ टाइम इन दिल्ली। बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत मजा आया। देखेंगे दोस्तों इसका पार्ट क्लाइमेक्स पार्ट टू में हमको क्या देखने मिलेगा, उसमें मुझे लगता है और भी फाइटिंग होगा। दैट फेस ऑफ फाइटिंग माने मेरे को तो लगता है हैंड कॉम्बैट कॉम्बैट शायद देखने मिल सकता है। ईगली वेट रहेगा दोस्तों क्लाइमेक्स पार्ट टू का, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, बाय।